खजानी इंस्टीट्यूट द्वारा 13वां वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस वर्ष के वार्षिकोत्सव की विशेषता थी कि इसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा आयोजित किया गया, ताकि कोरोना महामारी के इस दौर में सुरक्षित और सावधानी पूर्वक खुशियों को अभिभावकों के साथ साझा किया जा सके। कार्यक्रम का आरंभ मुख्य अतिथि श्री रामेंद्र कुमार जी, डिप्टी कमिश्नर जिला उद्योग केंद्र श्री केजी महेश्वरी, डॉक्टर प्रीति जौहरी, डॉक्टर झूमी कुलश्रेष्ठ द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। सरस्वती वंदना को बेहद मनमोहक अंदाज में छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए आयुषी मेहरोत्रा और मोनिका ने बताया कि इस बार हम 5 अलग अलग वर्गों में प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं, जो वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, एथनिक, रेट्रो और रिसाइकलिंग है। प्रतिभागी अपने वस्त्र निर्माण और सौंदर्य केश विन्यास प्रतिभा का मंचन आज करेंगे। निर्णायक मंडल द्वारा सफल प्रतिभागियों का चयन करके उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। निर्णायक मंडल में श्रीमती निधि शर्मा, नीतू धमीजा, दिल्ली से आए हुए इमरान सर, कुसुम साकेवार, अंजू अग्रवाल, खुशबू, पारुल शर्मा, गार्गी गार्ड, राधिका गोदानी आदि रहे। निर्णायक मंडल द्वारा स्टार डिजाइनर, स्टार ब्यूटिशियन, बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, बेस्ट प्रेजेंटेशन, बेस्ट क्रिएटिविटी आदि श्रेणियों में छात्राओं का चयन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष आकर्षक डांस ऑफ द इंडिया रहा, जिसमें विभिन्न प्रांतों के लोक नृत्यों को छात्राओं ने बेहद मनमोहक अंदाज में प्रस्तुत किया। मैडम बताएं, ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है किस संस्था द्वारा किया जा रहा है और क्या इसका उद्देश्य है खास? ये खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम है और खजानी इंस्टीट्यूट अपना वार्षिकोत्सव हर साल करता था। आज हम अपना 13वां वार्षिकोत्सव कर रहे हैं, पर क्योंकि कोविड का दौर है और हमें बहुत सावधानी से चलना है, तो ये पूरा कार्यक्रम हमारा ऑनलाइन है। हम यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से अपने पेरेंट्स को जोड़ रहे हैं और अपने छात्राओं की प्रतिभा को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। आज हमने यहाँ पर 5 अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है, रेट्रो राउंड, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, एथेनिक और रिसाइकलिंग, जिसपे छात्राओं ने अपने परिधानों को बनाया है, उन पे खुद अपने हाथों से काम किया है और हमारे ब्यूटी की ही छात्राओं ने उनका मेकअप भी किया है। इसके लिए जजेस उन्हें पुरस्कृत करेंगे। अच्छा, जैसे कि गरीब बच्ची हैं, उनको संस्था किस तरीके से प्रोत्साहन करती है? सर, आज जो प्रोग्राम है इसमें 80% छात्राएं ऐसी ही हैं और वो पहली बार मंच पे भी हैं, तो हमारा केवल एक उद्देश्य है कि उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देना, क्योंकि उनके अंदर सबसे ज़्यादा उसी चीज़ की कमी होती है। और आप देख सकते हैं कि उनके अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, उन्हें बस हम अच्छे से ग्रूम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स करते हैं और वो स्टार बन के शाइन कर देते हैं। 500 छात्राएं हैं जो निःशुल्क शिक्षा इस टाइम ले रही हैं।